सिरमौर पुलिस ने रेणुका विधानसभा क्षेत्र के पियूलाड़ी में देर रात भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में शराब ले जा रही गाड़ी को जब्त कर दो लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों लोगों में से एक व्यक्ति गांव कस्बा जबकि दूसरा बनवाड़ी गाँव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर इस शराब की सप्लाई की जा रही थी। वहीं मीडिया से बात करते हुए एचपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने यहां अवैध 27 शराब की पेटियां बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने शराब ले जा रही बलेरो गाड़ी को भी जब्त किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखे हैं और इसी कड़ी में यहां पर ये शराब पुलिस द्वारा बरामद की गई है। दूसरा जो हमने अभी सिरमौर पुलिस ने एक शराब का एक काफी 27 पेटियां शराब बरामद की है, क्योंकि चुनाव से संबंधित भी ये जो कुछ भी हलचल चल रही है उसमें सिरमौर पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस वोटर्स तक ना पहुंचे, चाहे वो पैसे का है, चाहे शराब का है, या चाहे अन्य मादक पदार्थों का या धमकियों का कुछ भी। तो उसके ही कड़ी में पुलिस का ये एक अभियान चला हुआ है। उसके तहत आज हमारी विशेष टीमों ने 27 पेटी शराब, प्रत्येक पेटी में 12 बोतलें होती है, तो ये लगभग 300 से ज़्यादा बोतलें शराब बरामद की गई है। इसमें व्हीकल नंबर जो है HP 79-2855 बोलेरो कैंपर व्हीकल है, ये सीज किया गया है और 27 पेटी शराब इसमें मिली है, जिसमें कि अनिल कुमार सन ऑफ कुंदन सिंह और दूसरा व्यक्ति देवराज सन ऑफ कुंदन सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों संगड़ा के निवासी हैं और इसमें केस FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। शराब ये हमने क्योंकि संगड़ा क्षेत्र में पकड़ी है, कहाँ से आई है उस चीज़ की हम जांच कर रहे हैं और इस चीज़ के रूट तक पहुँचने की पुलिस कोशिश कर रही है। आज का ही केस है तो अभी इसमें भी तफ्तीश जारी है। सर एक प्रश्न जी, एक्चुअली ये जो आगे की जो प्रक्रिया रहती है वो जो FSTs है, जो जितनी भी FSTs गठित की गई है जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं, वो वेरीफाई करेगी इस चीज़ को और उसके बाद में यदि लगेगा कि जिससे हमने नकदी या कोई जेवरात बरामद किए हैं उसका उस पर राइटफुल एक वो है, उसका अधिकार बनता है, तो वो उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउटफुल है तो आगे जांच का विषय रहता है। पुलिस का काम यहाँ तक है कि हम इस तरह की कोई भी गतिविधि हो उस पर रोक लगाएं। आगे का जो भी कार्य है वो नियम प्रक्रिया के हिसाब से FST देखती है।